और फ्लोट से पहले जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने बड़ा दावा किया है। संजीव कुमार ने पिछले दो दिनों से संपर्क से बाहर रहने के बाद वो पटना पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रांची से पटना लौटने के क्रम में प्रशासन के लोगों ने उनकी गाड़ी को घंटों रोके रखा। संजीव कुमार सिंह खगड़िया जिले के परबत्था से जेडीयू विधायक हैं और उनको लेकर नाराजगी की खबर आई थी, लेकिन अब वो नीतीश खेमे में लौट आए हैं। आपके बारे में जानकारी मिली कि आप नवादा में कहीं पर हैं, आज फ्लोर टेस्ट है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? भाई पहुंचने देंगे तब ना, यहाँ पे एसपी डीएसपी सब यहाँ रोक के रखे हुए थे 2.5 घंटे से। अब इसमें डिले होगा तो फिर कहेंगे कि देर किए, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से पूछा जाए क्यों रोके थे। तो आप अभी कहाँ, दिल्ली में थे कल तक, कहाँ थे, कहाँ से नवादा कैसे पहुंचे? बाहर थे। अरे भाई हम आए थे उधर से, रांची से हम कोडरमा आ गए थे, कोडरमा से आ रहे थे हम, रात में रुके और हम आ रहे थे पटना। तो आपको रास्ते में कहाँ पर रोका गया? रास्ते में जैसे कोई गैंगस्टर को नहीं रोका जाता, इंटरनेशनल कोई गैंगस्टर हो उसको, दाऊद को अगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दाऊद इब्राहिम जा रहा है और 40-50 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही है आगे पीछे, बहुत हास्यप्रद भी लगा और आश्चर्यचकित भी हुआ। क्या कहा गया आपको प्रशासन के लोगों ने, क्या कहा? कुछ नहीं, बस ऊपर से आदेश है कि आपको थाने में चाय पिलाना है।